بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَى صَاحِبِ الدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالصَّوْلَةِ الْحِيدرِيَّةِ وَالعِسْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وَالحِسَنِيَّةِ وَالشُّجَاعَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ وَالعِبَادَةِ الْسَّجَادِيَّةِ والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضفية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات अल्हम्दुलिल्लाह आज माह सफ़र इस तारीख़ में परवरदिगार आलम ने हमें फिर एक अफजलुल इबादा के हसीन दस्तरखान पर जमा किया जहां हम बैठकर एक ऐसे मासूम एक ऐसे मेहरबान एक ऐसे करीम इमाम को याद करेंगे जो हर ज़ीज़ हर दिल के महबूब हमारे कुलूब को मुस्खर करने वाले इमाम जो अहल सुन्नत के दरमियान नहायत ही मशहूर है मरूफ हैं किस बात पर कि सब ये जुमला बहुत कसरत के साथ पढ़ा करते थे कहा करते थे अहल शाफी में ये मशहूर है कि किब्र मूँ सपन जाफ़र आज़म कि चलो बाबुल होवाइ के दर पर चलें उस हसन से नूर के जानेब्र बाबू मूसत जाफ़र आलाम पर जो कि हर दर्द हर मुश्किल और हर भला को हमसे दूर करती है यकीन हम भी इस ज़माने में इस दौर में जहाँ बहुत सी मुश्किल में गिरफ़्तार है जहाँ हम हमेशा दस बदा होते हैं परवरदार आलम से दुआ परिगार खुदा बंदा हमारे लिए रास्ते खोल दे और हमारे लिए बक बाबुल हवा इज तमाम बलाओं को हमसे दूर रख इमाम काजम आलम से एक मनकूल है दुआ जो कि सरयाबत है बहुत तेजी से जवाब देती है जिस जो मतबर दुआ है किताब बल्दुलमीन में नकल किया गया है कि यूं इंसान इस दुआ को पढ़े इन शुआ डॉट और मौजूद हो लेकोहीद क्या अंदाज गुफ्तु है कैसे मेरे आका फरमा रहे हैं इमाम इमाम काजम आसम कहते हैं बार जो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन चीज़ है उसमें मैंने तेरी इतात की और वह तोहैद है व फ़्र और जो सबसे ज्यादा मबगूज़ है तुझे वो कुफ़्र है और उसमें मैंने कभी भी तेरी जो है वो इतात नहीं की यानी इस एतबार से कि कु की जानब में नहीं गया फ़िरली माँ बही नुम अब इसके दरमियान जो भी ख़ता मुझसे हो रही है उसको माफ़ करे क्योंकि मैंने बदतरीन को नहीं किया और बेहतरीन को किया है अब वसत में दरमियान में जो लफ्जिशें जो ख़तएँ उससे माफ़ कर दे जब आप इतने खूबसूरत अंदाज से इमाम की के कलाम को अपनी ज़बान पर जारी करेंगी जब रुकावटें हट जाएँगी फिर आप दुआ करेंगी यामन अलई है मफरे आमिनी बारे इलाहा हम फरार करके आपकी बारगाह में आ रहे तेरी बारगाह में आ रहे हमें अम दे दे इस बला से इस आजमाइश से इस इन इम्तिहानों से अल्लाक मेंसिकर यसर मिन में ताक बेशक मेरी ताक कम है मासी ज़्यादा है लेकिन तू वही है जो कसीर को माफ़ कर देता है यसीर को कबूल कर देता है कम को ऐसे लेता है जैसे बहुत ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा को जो गुनाह है ऐसे माफ़ कर देता है जैसे वो बहुत ज़्यादा कम हो क्या हमारा रिश्ता मजबूत फरमा रहे हैं हमारे आका हमारे मौला हरदिल अज़ीज़ इमाम मूस काज सलवाद भेज दीजिए अल्लाह मसल महमद वाल महमद वाजल फ़राज हम अजमान आइए सलाम और दरुद भेजते हैं उम्म काम पर जिनाब हमीदा ख़ातून पर आ, मैंने बहुत तफसील से उनके बारे में लिखा भी है पढ़ा भी है आ, जो चाहते हैं कि मादरे आ, इमाम काज के ज़रिए इमाम काज़िम से तवसल करें और अपनी हाजतें लें आ, वो ज़रूर सुन सकते हैं देख सकते हैं कि जनाब हमीदा ख़ातून की क्या फ़जीलतें सिर्फ मैं इशारा करती जाऊँ कि इमाम मासूम ने इस अंदाज़ से तारीफ़ की और कहा कि अंज हमीदतुनफ दुनिया व महमूदतनफ आखिर आपका नाम सिर्फ़ दुनिया में हमीदा नहीं है आप सिर्फ़ दुनिया में हर दिल अजीज़ हर कोई

सबसे मजे की बात यह है कि आखिरी इमाम हमारे जिंदा इमाम हमारे मेहरबान इमाम इमाम जमान शरीफ़ को हम कहते हैं ना असलम ज़हरा ए एसुफ जहरा जिनाब जहरा सलाम्ह के फरजंद है जहाँ जनाब फ़ातमत जहरा से नस्बत देते हैं रिवायात में बताया गया कि बायदा यूँ सलाम किया गया इमाम असर को कि अब नमीदा अलम्फ़ा अलम जो लकब आप मासूम ने गैर गैरमासूमा को दिए वो आप अगर उसकी लिस्ट उसकी फ़हरिस्त तो उसको एक बात दिगरी अगर आप पढ़ते चले जाएँ तो आपको मक़ाम काज़िम आलाम का पता चलता है ऐसी दामन में इतना नूरानी हर दिल अजीज़ बबुल हवाज इमाम इमाम के फ़वािल अगर इमाम ही के ज़बानी हम बयान करें तो कितना हसीन होगा कितना ख़ूबसूरत होगा मेरे इमाम को बार बार एक शहर से दूसरे शहर बार बार मदीना से बगदाद बुलाया गया हारून अपने दरबार में बार बार बुलाता था क्योंकि मालूम था कि हर दिल अजीज़ है अपने क़रीब रखो नहीं देखा जा रहा एक मरतबा जब आप दरबार में गए बड़े ही अहतराम के साथ तो एक शख्स वहाँ खड़ा था जो कि बिल्कुल नहीं पहचानता था तो उसने कहा ये कौन है जिसके लिए लोग इतनी जगह दे रहे हैं और उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं और वो बहुत ही बदजबान शख्स मशहूर था कि हर एक के साथ हर एक को तंग करने में उसको मज़ा आता है बाद लोगों को ये बीमारी होती है बाद लोगों को भी ये कीड़ा होता है कि उनको दिल चाहता है कि किसी न किसी की दिल आज़ारी करते ही रहें और कभी कभी तो बच्चों में ये कीड़ा पाया जाता है कि उन्हें बहुत मज़ा आता है कि माँ नाराज़ हो गई माँ नाराज़ हो गई तो वो और ज़्यादा नाराज़ करना चाहते हैं इसलिए आप लोग नाराज़ कम हो खुश रहें ताकि जिनमें यह कीड़ा जो है है वो चला जाए तो वो शख्स भी यही चाह रहा है कि इमाम काजिम जो कजमज़ में शहरत आफाक रखते हैं आपके कजम गैब को शायद तो बड़े ही अपने अंदाज से तहकीराना बहुत ही अपनी तरफ से तोहन करते पूछा तू है कौन मननता अपने आप को समझते क्या हो तो इमाम ने नहायत आज़मत और व जलाल हैबत के साथ फरमाया इनकन तुरीद नसब तू तु मेरा हसब व नसब जानना चाहता है तो अना इब्न मदबीबल्लमाना इब्न इसमाईल जबी अन्ाबन इब्बन इब, अब्राहिम खलील के मैं कौन हूँ मेरा हसब व नसब खलील रहमान इब्राहिम शिकन तक जाके मिल जाता है और फिर का इन कुरी, इन तुरीदा अगर तू चाहता है कि मेरे बलत के बारे में मैं किस टाउन से आया हूं किस शहर और मुल्क से बिलोंग करता हूँ ये तेरा इरादा है इन अल बलद तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा बलद मेरा टाउन मेरा सिटी वो है कि अल्लाह फरा परवर दिगार आलम ने यह ये, ये हुक्म दिया है कि अपने बंदों को किस बात के अल मुस्लिमीन या मुस्लिमीन को मुस्लिमीन पर इस चीज़ को वाजिब करार दिया और फिर आप फरमाते हैं चा मुस्लिम अगर तू मुसलमान है तो तेरे पर भी वाजिब है क्या वाजिब है अल हज अल कि तू कस्त करे हज करे मक्का बेतल्ला का मैं मक्का से आया हूँ मैं अहल मक् हूँ मेरा मेरा वतन जो है वो बेतुल्ला है और फिर कहा इन इनकनता तुरीद अस्म तुझे मेरा नाम إنوان جايه نحن الذي امر الله بصلاتنا عليه ونحن ال محمد صلى الله عليه واله وسلم هم وہ ہیں کہ اگر ہم پر درود نہ بھیجیں تو نماز نا ناقص رہ جاتی ہے نماز كامل هي اس وقت ہوتی ہے جب تم لوگ اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد इमाम काजम आसम की थर्टी फाइव ईयर्स तक की जो इमामत का ड्यूरेशन है आपको पैंतीस साल थर्टी फ़ाइव ईयर्स तक परवरदिगार आलम ने मनसब इमामत पर फ़ाइज़ रखा वैसे उम्र मुबारक फिफ्टी फ़ाइव ईयर्स है फ़िफ्टी फ़ाइव में से जो मुख्तलिफ़ हमें रिवायात मिलती है कुछ कहते हैं चार पाँच साल कुछ कहते हैं चौदह साल तो अगर हम एवरेज निकालें तो तकरीबन 10 साल तक आप जिंदानों में रहें एक हब्स मिन से मिनल हब्स से हब्स, एक जिंदान से दूसरे जिंदान, एक शहर से दूसरे शहर तक बुक पसंद करते थे इमाम को इतना चाहते थे इतना चाहते थे इश्क करते थे महबूब कुलूब इमाम मूसा इमाम मूसा पर लोग अपनी जान कुर्बान करते थे और दुश्मनों से ये नहीं देखा जाता था इस तकरीबन अगर आप थर्टी फाइव ईयर्स इमाम की मद्दत इमाम को लें उसमें से चले हम दस आप बहुत दूर रहे लोगों के साथ बाकी 20-25 साल जो हमें कहते हैं आपने हज़ार से ज़्यादा ग़ुलाम राह खुदा में आज़ाद किए हैं कितनी बड़ी कामयाबी है कि और कितनी बड़ी हमारे लिए इसमें इस दर्स हम अपने ज़माने में अपने एतबार से ख़दमत खल करें हम भी हम में से बहुत से लोग जहालत की तारीकी में असीर हैं जो जहालत से निकालें आज़ाद करें लोग गुनाह के जंजीरों में जकड़े हुए हैं ग़ुला है हम लोग उन ग़ुलामी से हम दूर करें जो ईमान से दूर होकर शहवत के दलदल में फंसे हुए उनसे हम इन लोगों को दूर करवाएं इमाम का ये रवैया इतना हसीन इतना प्यारा के दुश्मन हजम नहीं कर सकता था एक मरतबा ये बहुत ही खूबसूरत लोगों से जो है वो थोड़ा सा करी करी यानी देखा नहीं जा रहा था बहुत ही ज़्यादा चेहरे पर कुछ ऐसे धब्बे या ऐसे बीमारी के निशान के लोग हैरान हो गए देख करके इमाम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए कहा आप आप ये अपना अल्लाह हम इस इस चेहरे को देख नहीं सकते लेकिन आप इसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो इमाम ने तकरीबन पाँच रीज़न्स दी देखिए ये हम सब के लिए क्यामत तक के लिए बेहतरीन दस्तूर हयात है कि आपने फ़रमाया कि आप दुम मैंने अबादल्ला वो भी बंदा मैं भी बंदा हम दोनों बंदे ही बंदे हैं फिर कहा अखनफ़ी किताबिल्ला किताब इलाही के मुताबिक वो मेरा भाई है क्यों क्योंकि कुरान ने कहा इन मनूना अखवा ये मुसलमान है आब्द है अब्द खुदा है और फिर भाई भी है एक तो अब्द है बेशक अगर मुसलमान ना होता अब मुसलमान है तो अख भी है भाई भी है और फिर कहा कि ये जार उनफ़ी बिला दिल्ला ये मुसलमान मुल्क में रह रहा है मेरा हम हम शहरी भी है मेरे साथ रह रहा है फिर कहा यजुमा या, या हो खैरआबा हमारे माँ बाप दोनों बेहतरीन अबुलबर हज़रत आदम उमुल बशर हजरत जनाब हवा मैं कैसे से दूर रह सक दोनों के माँ बाप इतने नेक और फिर फरमाया फरमाए अफबलानसलाम हम दोनों का दीन बेहतरीन दीन है हम दोनों के वाले बेहतरीन हैं हम दोनों हमारे दीन के मुताबिक भाई हैं और हमारा सब कुछ जब एक है तो फिर मैं इससे दूर कैसे रहूं सुबहान अल्लाह काश ये बातें मजलिसों के हद तक ना हो लेक्चर्स के हद तक ना हो। अमली जिंदगी में ये नूर हमारी जिंदगीों को मनवर कर दे इन श्ला और हमारी काजमी काज़मी जो सही मायना में काजमी और मुंह सभी उस तरह से चले और इसी अंदाज से जो एक हदीसी उदसी है जिसे हदीस लोह कहते हैं उस हदीस लोह में इमाम काजिस्ल को परवर दिखा रहे आलम इमाम की तारीफ तजलील कर रहे हैं मैं और आप क्या जाने इमाम काजिम कौन है अल्लाह ने कहा तीन सिफात बयान की हदीस लोह बहुत मशहूर हदीस है मैं अक्सर बताती रहती हूँ और उसकी हिस्ट्री भी बहुत प्यारी आप लोगों को पता ही होगा उसमें तीन सिफात परवरदिगार आलम इमाम कादम आम के बयान कर रहे हैं नंबर वन आबदी नंबर टू हबीबी नंबर थ्री ख़ैरती इमाम मसे काज़िम ऐजा अब्दुल्ला परवरदिगार आलम ने कहा वो मेरा 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 अपना बंदा है मेरा हबीब है और मेरा चुना हुआ है मैंने मैंने इंतखब किया है कावम को किस लिए आइब तो इमरसलिन मरसलिन इल्म का वो बेहतरीन मरकज़ आइबा कंटेनर वो ख़जाना ज़ैनमतिन जितने लोग जहाद कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं किस में बच इलाही में तमाम मुत कहते हैं मुतजहद कहते हैं उसको जो मेहनत करता है तमाम सालक में जो जीनत है सलूक ला में उसमें ज़ैनल मुश्तदीन जो है वह इमाम इमाम मुसाए काजिम अलैहिस्सलाम है इमाम जाफर सादिक अलैहि फरमाते हैं जब عبد के है ना عبد सच्चा عبد वो है क्योंकि عبد तीन huruf से मिलकर बना है عین باں दाल عین यानी علم الله ऐसा जो नूरल्ला है ऐसा जो इंसान को इंसान बना दे मुतवाज बना दे है वो जो आपको ला अला तक ले जाए वो आपको अब्द बनाता है ला इला में पहले कहते हैं नहीं, नहीं, यानी मैं, मैं नहीं, सब तो जगह आपको अल्लाह नजर आए जितना आप दूर होगे अपनी इस शहवत से मैं मैं मेरी किसी ने तोहन क्यों कर दी मेरा क्यों दिल दुखा दिया मुझे यूँ क्यों कहा मेरे ख़ानदान को ये क्यों कहा मेरा फ्यूचर क्या होगा जितना इस मैं को हम अहमियत देंगे उतना अल्लाह के बत से हम दूर रहेंगे इसलिए देखिए बहुत आसान हमेशा याद रखिएगा परविकार आलम से दुआ मांगे कि बार बक इमाम बाबा हवा इज इमाम काजम हमें आब्द बना दे इल्म दे दे ऐसा इल्म जो हमें शहवत से दूर करे बा, बा यानी बाद दूर कर दे और दाल यानि दुनुव दुनिया को दुनिया इसलिए कहती है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है दुनुव दुनुव यानी करीब कर दे अल्लाह अल्लाह के जो जितना शहबद से दूर होगा वो उतना अल्लाह के करीब होगा आब्द सो आन से मुराद अल्लाह जो इल्म अल्लाह देता है बा से मुराद यहाँ बौद आप ले लें दूरी ले लें और फिर दाल से मुरादरबत जब आप नज़दीक आते हो आप वो पसंद करते हो जो रब को पसंद है इमाम के बचपने का मैं एक वाक़ा सुना और आप तवसल कीजिएगा अपनी हाजात लीजिएगा और मेरे लिए ये बाख्र है मैं जितना परवर आलम का शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं कुछ कदम के फासले पर हूँ ये दर दुख्तर बाबुल बाबुलवाज है यहाँ से जो बात आ रही है मेरी नहीं ये जगह ये मकान इसमें इतनी बरकत है कि यहाँ से जो पैगाम इमाम काज़म के बारे में आए मुझे यकीन है बेह वजूद बा बरकत फातम मासूम सलाम वो सीधा जाकर दिलों पर बैठेगी उसका असर बहुत ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि इस पाक सरजमीन से पाक हस्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और और बीवी का दिल कितना खुश हो रहा है अल्ला अकबर लिहाजा आपके बचपन का कितना ख़ूबसूरत वाक़ है कि यह अकूब सराज कहता है कि मैंने मैं इमाम जाफर साल सलाम से मिलने गया तो मैं इंतज़ार करता रहा करता रहा मुझे आवाज़ें आ रही थी इमाम किसी से गुफ्तु फरमा रहे थे गुफ्तु बहुत ूल पकड़ गई काफ़ी देर हो गई जब इमाम तशरीफ़ लाएं तो मैंने पूछा ये अपना रसूल अल्लाह आप किस से बात कर रहे थे इतनी लंबी बातें तो कहा मैं अपने फ़र्जन से मैं अपने लखते जिगर से मैं अपने बेटे से मैं तुम्हारे इमाम से बात कर रहा था और वो गहवारे में है वो हैरान हुआ सराज कहता है क्या आपका फर्जन गहवारे में है तिफल है और आप उससे इतनी देर बातें कर रहे थे कहाँ तू भी जा सलाम कर सराज कहता है मैं गया सलाम करने के लिए और जब मैंने सलाम किया तो इमाम काज़म सलाम ने उस गहवारे से उस झूले से मुझे जवाब दिया क्या ज़बरदस्त जवाब दिया और क्या ज़बरदस्त मुझे बताया कि ए याकूब ए सराज कल तेरे घर में क्या क्या हुआ क्या तूने किया पूरी बातें तफसील से बताई मैं हैरान रह गया यहाँ तक कि के आका ने फरमाया कि याकूब कल तेरे यहाँ बच्ची हुई है एक बेटी हुई है लेकिन अफसोस कि तूने बेटी का नाम प्यारा नहीं रखा ऐसा नाम रखा है जो अल्लाह को महबूब नहीं नाम हमीरा लख रखा है अच्छा नहीं है नाम बदल लो यानी मेरे 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 इमाम को उस गहवारे में यह भी पता है कि इस ना, नाम की वजह से रब नाराज़ हो रहा है सुभान अल्लाह एक एक चीज़ की खबर दी और याकूब कहता है मैंने बहुत तवाजो के साथ इमाम से गुफ्तु खत्म की और आकर इमाम जाफर जाफ़िर सलाम को सब कुछ बताया तो इमाम ने कहा हाँ ये तेरा इमाम है उनका अम्र अम्र है उनकी नहीं नहीं है जो वो कह रहे हैं उसके इतात तेरे ऊपर वाजिब है तुम्हें करना ही है ऐसे आका ऐसे मौला का नाम इमाम जाफ़र स्वाद है और आपकी मैं एक नसीहत बताती जाऊँ देखिए फज़ाइल हम बयान करते हैं और अगर ये महफ़िल होती आप सब सामने होते इन शह एक दिन ऐसा मौका मिले परवदार आलम इतनी ज़िंदगी दे और इतनी बाबरकत हमें ज़िंदगी दे कि हम अहल ईमान इश्क अहल बेत में फ़िज़िकली भी एक दूसरे से इन शह के मिल सके और आप सामने हो तो यकीन ये ये फ़जाइल हमें शराब हैदरी और उस नाराय हैदरी की तरफ ले कर जाती है लेकिन ये नाराय हैदरी हमारे अंदर जोश जज्बा दिलाता है अमल का वो अमल क्या है वो अमल ये है कि मेरे आका ने फरमाया मेरे मौला ने फरमाया बाबुल हवाज फरमाते हैं आपकी सखावत बहुत मशहूर थी आप देते 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 जाते थे इतना देते थे कि लोग हैरान होते थे कि कैसे आका इतना माल दे रहे हैं ये माल कहाँ से आ रहा है इस पर पूरी पूरी रिसर्च मौजूद है ये क्या पॉसिबल है कि आप हर एक को इतना दे दे कि हर कोई मुस्तगनी हो जाए बेनियाज हो जाए ये ये कहानी क्या है हम अफसोस के साथ साल में दो दिन आमतौर पर मासूमीन को देते हैं दो दिन भी नहीं देते दो घंटे देते हैं एक शहादत का एक विलादत का उसके अलावा फिर ना कोई तहक़ीक़ न कोई मुताल न कोई समाज कुछ भी नहीं और इसी एक घंटे में हम कहते हमें यह भी नहीं पता हमें वो भी नहीं पता ये भी बता दो वो भी बता दो सब कुछ बता दो बना बनाया नवाला बस मिल जाए खा ले वाह वाह कर ले और फिर भूल भी जाते हैं कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है लेकिन ये सिर्फ़ हमारा आगाज़ विलायत व इश्क़ मोहब्बत पहलबेम होना चाहिए ये मजलिसें हमें जगाती हैं ये बहुत ही अजीम रिस्क इलाही है ये माद खुदाई है जो अल्लाह ने बिछाया है हमारे लिए नो डाउट लेकिन यहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ करना है आज हमने अहद करना है कि हमारे सातवें इमाम इमाम काज़िम है तो हम सात अदीस याद करें सात अहदीस किससे चलिए इमाम से रिलेटेड देख लें अगर आपके पास सात अच्छी कलेक्शन मिल जाती है तो मिल जाए वरना बेशक किसी भी इमाम की ख़ुद इमाम की कम से कम एक हदीस तो हो इमाम ने क्या फ़रमाया असखियो व हसन अखुल्क़ फ़ी खिनफिल्ला कहते जो जिसके पास दो हसीन सी सीरतें हों वो आगोश इलाही में उसकी जगह है आगोश इलाही में कौन है अल्लाह किससे अपनी आगोश में ले लेता है रहमत इलाही में कौन गर्क है सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल द रिचेस्ट मोस्ट यू नो जिसके पास सब कुछ है और सबसे ज़्यादा मज़े से जो ज़िंदगी गुजार रहा है वो वही होगा जो आगोश इलाही में है आगोश इलाही में कौन है कहा वो है जो सखावत दिखाता है वो है जो कि अच्छे अखलाक के ज़रिए लोगों के साथ पेश आता है एक सुना रहे थे एक पॉइंट कोई आम के फ़ारसी ज़बान में कहते हैं कि खूर र ना करे खुदा हमें यानी अगर किसी नाबीना से आपकी दोस्ती हो जाए तो वो आप वो आपसे हमेशा मदद ही मांगेगा क्योंकि उसको नज़र नहीं है वो आएगा उकेगा कि मेरे लिए ये ला दो वो ला दो ये रास्ता दिखा दो वो दिखा दो और वो छोड़ेगा ही नहीं जान ही नहीं छोड़ेगा कहते ना किसी किसी नाबीना के पल्ले ना पड़ जाएँ तो वो कहता है कि हमारे शहर में ये मशहूर है कि किसी आलिम के पल्ले ना पड़ जाए किसी शेख के पल्ले ना पड़ जाए क्योंकि अगर किसी आलिमा ने आपको पकड़ लिया तो वो कहेगी आज विलादत है आज शहादत है आज ये पढ़ो आज वो पढ़ो अब अब जो है मुहर्रम है फिर सफ़र आ रहा है रबी अव्वल में यह अमाल करो और फिर अयाम फ़ातमियाँ आएगा और फिर अया में सदकिया आ जाएगा और कहेगा कुर्बानी करो इसका सवाब है उसका सवाब है पीछे ही पड़ जाएगा वो छोड़ेगा ही नहीं छोड़े गई नहीं छोड़े गए नहीं छोड़े गई नहीं, नहीं यहाँ तक जन्नत पहुँचा दे इन शाह यहाँ पर इमाम काज़म भी फरमा रहे हैं कि जो सखी है उसको अल्लाह छोड़ता ही नहीं है यहाँ तक के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करवा देता है सखी और हसन खल़ वाला यह हदीस इमाम इमाम काजाम है आप फरमाते हैं कि सखी को और हसन खुल्क़ वाले को रब छोड़ता ही नहीं है यहाँ तक कि वो उसको जन्नत में दाखिल ना करवा दे कहते एक मरतबा एक बहुत ही कंजूस इंसान था उसको पैसा बहुत ज़्यादा था उससे कहा जाता था कुर्बानी करो सवाब है लेकिन वो ना करता ना करता एक मरतबा ज़बरदस्ती उसे पकड़वा के करवा दिया तो उसने कहा अच्छा मैं एक जानवर िब कर रहा हूँ क़ुरबा एलल्ला अब मैं नीयत करूँ जी मेरे माँ बाप मेरे दादा परदादा नानी पर नानी सब के लिए और आ, मैंने घर ख़रीदा है उसके लिए भी है मैं हज से आया था उसके लिए भी मैंने गाड़ी ख़रीदी उसके लिए भी है मेरे फ़लाँ की शफा भी मिल जाए ये भी हो जाए वो भी इतनी सारी नीयतें की क्योंकि एक ही वो क़ुरबानी बड़ी मुश्किल से कर रहा था और यहाँ तक के वो बेचारा जानवर बोल पड़ा बा बा मेरी आवाज़ भी तुम रिकॉर्ड कर लो वो भी काम आ जाएगी ये तो तू जब कुर्बानी कर ही रहा है तुझे तो हर तरह के फ़ायदे मुझसे लेने हैं तो मेरी आवाज़ जो है तुम अपने मोबाइल नुक़ा बताया जाता है जो कंजूस है वो उसके लिए तो हमने बार बार अपनी मजालस में बहुत ताक़ीद के साथ कहा है नूर हराम है नूर जो है वो सखावत और हसन खुल्क से आती है इसलिए इमाम जाफ़र सदसमाम के साथ साथ इमाम काज़िम से भी ये रिवायत है कि माँ बाल्ला नबीन अल्ला सखिया परवरदिगार आलम ने किसी नबी को ख़ल़ नहीं किया मगर ये कि वो नबी वो रसूल वो अल्लाह का वली जो है वो सखी और जेनरस होता है क्योंकि बख्ल कंजूसी जो है वो गुनाहों का बाग है जहाँ सारे गुनाह एक जगह जमा है एकदम से इंसान जो है वो बुराई और गुनाहों की जड़ में जो है वो दफन हो जाता है बहुत सख्त बहुत मुश्किल क्योंकि अब्बासियों का ज़माना था हादी अब्बासी हम जानते हैं इसी तरह हारून रशीद हैं और ये तमाम अब्बासी खलफाव जो के अयाश थे शराब और रक्स में मसरूफ़ रहते थे एक तरफ दूसरी तरफ कभी कभी दरस अखलाक में भी नज़र आते थे बिशर हाफ़ी का दर्श्लाक होता था फ़ज़ैल का उसमें भी रोते हुए नज़र आते थे दुआएँ पढ़ रहे हैं रो रहे हैं एक तरफ दूसरी तरफ रक़्स भी कर रहे हैं डांस भी कर रहे हैं शराब भी पी रहे हैं। दो चेहरे बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल था उस ज़माने में लोगों को हकीक़त बताना माल का इतना इसराफ़ कि शादी में इतना इसराफ़ माल का होता था कि हर मेहमान को एक अनार सोने का अनार जो है वो तोहफे में दिया जाता था या सोने का सेब तोहफे में दिया जाता था एक ही फंक्शन में इतने शमा जलाए जाते थे कि बाकायदा मतबर रिवायात में पूरी गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ नहायत मतबर ये रिवायत है कि एक ही महफिल में 40 मिलियन शमा जलाई गई इतना पैसा इतना पैसा था ही वो ज़माना पैसे का मैंने शुरू में इशारा किया कि इमाम काज़म के दौर में बहुत माल था सुरुर कहते इमाम के उस 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 बैंक को जिस जो या कार्ड्स को या चेक को जो आप देते थे उस ज़माने में शुरु इमाम सुर इमाम काजम्सम पर मैंने अक्सर बहुत गुफ्तु की है तो ये इतना माल था लेकिन यहाँ इतना ख़र्च हो रहा है इसराफ हो रहा है कहते है, जो कालीन बिछाया गया शादी में वो सोने से बुना हुआ और दूसरी तरफ लोग फ़ख्र में हैं लोग लोगबत में हैं तभी इमाम काज़म के दर पर आते हैं इमाम मदद करते हैं अलवियों और इमाम से चाहने वालों की तो गवाही भी कबूल नहीं की जाती उनको तो उनके तो आ, सर जो कत्ल करने के बाद शहादत के बाद सरों से म्यूज़ियम बनाया गया और लोग देखने जाते थे इस हद तक आई सलाम की औलाद को कत्ल आम किया गया और एक और चीज़ जो बहुत आम थी अब्बासी ज़माने में वो ये थी कि बहुत से लोगों को जाल हदीस के लिए बुलाया जाता था सार दीन हम कहते दीन को जो शिरकत करते थे चोरी करते थे असल दीन को और और कहते थे कस्सास कस्सास यानी जो कस्से बताने वाला स्से बताते थे कहानियाँ बताते थे और इसराइलिया झूठे अफसाने इमाम काजिम को मौका नहीं दे रहे इमाम इमाम पर पाबंदियाँ हैं इमाम ना बोलें कोई इमाम को ना सुने लेकिन उनकी बातें सुने जिन्हें न जाने कहाँ कहाँ से बुलाया जाता था और वो घड़ी हुई कहानियाँ बयान करते थे आजकल भी अफसोस के साथ हम झूठे जो जो अफसाने हैं जो फ़िल्में हैं जो ड्रामे हैं जो सीज़न्स हैं उसमें इतना वक्त लगा देते हैं कि जो सच्ची कहानी है कुरान है हक़ है हकीकत है उससे दूर हो रहे हैं खुदा खुदा इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि आ, अफसोस के साथ हम उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा ड्रामों की दुनिया में कभी मगन हो जाते हैं और ख़तरा यह है कि उसको हलाल समझ के कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन में चले जाते एक हद तक ठीक है एक हद तक ठीक है।, है लेकिन हद से गुजर जाते हद से गुजरते क्यों हैं इसलिए कि फिर हम कुरान को वक्त नहीं दे पाते वक्त नहीं रहता एक जल्दी से वाक़ा बताती जाऊँ कहते हैं हारून को इस पर बड़ा फ़खर था कि पूरी दुनिया से जितने भी बड़े बड़े जादूगर हैं जितने भी जिनके पास जो स्किल्स हैं सबको वो जमा करता अपने पास बुलाता और एक मरतबा उसने बहुत ही अजीम जिस गुमशुदा की उसको तलाश थी सिहब जादू करने वाला उसको हिंदुस्तान से बुलाया बगदाद की जाने और एक महफ़िल का इंतज़ाम करवाया उस महफ़िल में जो है वो दस्तरखान बिछाए गए बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया इमाम काज़िम को भी बुलाया गया और जब खाना लगा तो इमाम काज़िम के खादिम ने जिस चीज़ को हाथ लगाया रोटी को हाथ लगाया तो रोटी उड़ने लग गई हरकत करने लग गई फिर आपने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पानी ने फौरन जगह बदल ली जिस चीज की तरफ इमाम काजम का खादिम हाथ लगाता वो चीज़ उस जगह से हट जाती और हारून खुश के आह मेरा ड्रीम पूरा हो गया और उसकी यही तमन्ना थी कि अभी इमाम काज़िम की भी नवजिला तोहन होगी अभी वो सोच ही रहा था और हंस रहा था कह कह में मसरूफ था कि मेरे आका मेरे मौला इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने पर्दे की जानेब अपनी मत, मतबर्रक आँखों को इस तरह से जमा दिया और इशारा करके फरमाया या असद को खा जाओ निगल जाओ और वो जो जादूगर था उसको पारा पारा कर दिया उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए और सब बड़े-बड़े लोग जो वहाँ पर मौजूद थे सब बेहोश और जब होश में आए तो इमाम के पांव पकड़कर हारून ने कहना शुरू किया कि ये अपना रसूल अल्लाह ये अपना रसूल अल्लाह जिस इशारे के जरिए जिस हुक्म के जरिए आपने उस शेर से कहा कि उसको टुकड़े टुकड़े कर दे उसको खा ले उसको दोबारा से ज़िंदा कर दे तो इमाम ने फरमाया कि अगर आसा मूसा के अशदहा ने दूसरे तमाम अशदाओं को जो निगला था अगर उन्हें ज़िंदा किया होता तो मैं भी जिंदा कर देता मैं मूसा हूँ मैं कलीम अल्लाह का वारिस हूँ तो तो लेकिन, लेकिन दिखा रहे हैं ऐसे मेहरबान इमाम ऐसे एजाज करने वाले बाबुल हवाइज के दर पर आज हम सब जोली फैलाए हुए बैठे हैं और अपनी तमन्नाओं को अपनी आरजों को मांग रहे हैं आइए देखिए इमाम सदक सलाम क्या फरमाते इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही मुहर्रम का महीना आता था इमाम काज़िम बिल्कुल अपना रहन सहन बदल देते तौर तरीक़ा बिल्कुल ही बदल जाता सियाह पोश क्योंकि उस ज़माने में आलम परचम कसरत के साथ नहीं था तभी आपको सियाह पोश दे कर, लोग आकर पूछते थे क्या हुआ है क्या हुआ है यानी इमाम का अमल जो है बताता था कि मुहरम हराम आ गया है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बार बार अपने बाबा को याद किया कहा मेरे बाबा कितना रोते थे इमाम हुसैन पर मेरे बाबा किस तरह से गम मनाते थे इमाम हुसैन पर आप फरमाते थे इन्ना मुहर्रम शहरुन ये वो महीना है जिसमें जाहलीत के ज़माने में भी कोई क़त्ल नहीं होता था जिसमें इस्लाम से पहले भी जैसे ही मुहर्रम का महीना आता सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो रुक जाती थी बहुत एहतराम होता था इस महीने में लेकिन आज़ादारो इन यामल हुसैन हुसैन पे जो गम का दिन आया वो मुहरम में आया अक रहा जुफूनना जिसने हमारी आँखों को जख्मी कर दिया इमाम काजिम की आँखें ज़ख्मी हैं ग़म हुसैन से इमाम रज़ा की पलकें जख्मी है रो रो कर हुसैन के लिए वह असमाना ये वो महीना है है सफर के महीने ने तो और ज्यादा हमारे अश को जारी कर दिया हमारे अजीजों को जलील कर दिया هذا دارو كافر ماري امام امام رضا فرماتي كان ابي اذا دخل شهر رمضان شهر المحرم لا يرى ضاحكات جسي محرمات كويك مسكرهات بي امام كازم كشهري برناديكتا وكانت الكابه تغلب عليه غم ابر غلبكرتا تراك الدنا جاتا اشو के दिन इमाम किस तरह से मसायब को याद करते है? इमाम बाकायदा एहतमाम फरमाते थे कि हाँ जाहिलों में अगर जानवर भी दूध पीता हो तो उसे ज़बान नहीं किया जाता था पहले दूध से छुड़वाया जाता और कुछ दिन चारा दिया जाता फिर जाके जानवर को ज़िबा कर करते थे लेकिन हम क्यों में कया अब दिल्ला कोई दिन जैसा यो में आशूर जैसा दिन नहीं जब जनाब रबाब ने अलिया सगर को के तीर के साथ देखा तो कहा कम अमिस खार को भी नहर किया जाता है हाँ जा रो आए आए दिलों को करबला ले चले आज यमुल जुमा है जुमे के दिन करबला सफ़ दर सफ़ तमाम अंबिया फरिश्ते हुसैन की जियारत के लिए जाते आए याद करे वो वक़्त जब इमाम हुसैन ने विदा कहा पता है कितने विदा किए कहते इमाम के विदा बहुत ज्यादा थे कभी फरिश्तों से कहा अलविदा कभी जन्नों से कहा अलविदा कभी अपने जानवर असम बा से कहा अलविदा अलविदा ए जुलझना तू भूखा था तू प्यासा था मैंने तुझसे काम लिया मुझे माफ़ कर दे कौन है ये कहने वाला ये कहने वाला अला वो जिनके जिस्म पर अली अकबर का खून लगा है कासिम अली असगर के खून से जिनकी रेश मुबारक खिजाब में वो माफ़ी मांग रही है अपने असबबा वफा से मैं कहूँगी आका आपकी तश्नगी पर कौन रोए आपकी प्यास पर किसने गिरिया किया जैनब कुबरा إمام مامه جب دفن كيا، تو قبر بر دست مبارك سلكها هذا قبر حسين بن علي، الأبى قد قتله عت يوسف مظلوم كي قبره، جسدي دون كبياسة ألا لعنة الله